स्टेशन पर आने वाली एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी, मानो वो अपने अंदर ढेर सारी खुशियों की टोकरी समेटे हुए हो और उसे बांटने को एक्साइटेड हो। पर वहां अकेला बैठा कैलाश अपनी खुशी शेयर करे तो करे किससे? किसी अनजान शहर के ट्रेन स्टेशन पर बैठा वो इधर उधर देखता है। उसके सामने बस लोगों की मशगूल भीड़ थी, सभी अपने अपने काम में बिजी थे और बाकी अपनी ही मोबाइल फोन की दुनिया में खोए हुए थे। स्माइल करता हुआ कैलाश अपने पास रखी एक फाइल की तरफ देखता है। उसके पास एक छोटा सा बैग है जिसे देखकर इतना समझ आ रहा था कि कैलाश यहाँ ज्यादा दिनों से नहीं था, पर शायद जिस भी काम के लिए वो यहाँ आया था उस काम में वो सफल हो चुका था। वहां बैठा कैलाश अपनी ही सोच में गुम था जब उसे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। डिस्प्ले बोर्ड पर कैलाश ने देखा कि उसकी ट्रेन का आने का वक्त हो गया है। वो अपनी फाइल को सहेज के अपने बैकपैक में रख लेता है और ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पे आकर रुकती है और कैलाश उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और जरा सी देर में उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और चंद मिनटों में प्लेटफॉर्म फिर से खाली हो जाता है। कैलाश अपने कंपार्टमेंट में एंटर करता है। वो वहां अकेला ही था, हालांकि कंपार्टमेंट में दो बर्थ थी। कैलाश अपना टिकट कंपार्टमेंट के कॉर्नर में दिख रहे एक स्कैनर पर स्कैन करता है। एक हरी सी लाइट स्कैनिंग ग्लास पर रखे उस टिकट को स्कैन करती है। उसके बाद कैलाश को कुछ खुलने की आवाज आती है और उसका ध्यान एक छोटे से कबर्ड पर जाता है जिसके दरवाजे अब खुल चुके थे। कैलाश कबर्ड के पास जाता है और अंदर रखी सारी चीजें बाहर निकालकर अपना बैग कबर्ड के अंदर रख देता है। तभी कैलाश की नजर अंदर रखी एक की पर पड़ती है जिसकी मदद से कैलाश उस कबर्ड को लॉक कर देता है। ट्रेन अब अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी। कैलाश खिड़की के स्लाइडर कर्टेंस को हटाता है और बाहर का नजारा देखता है। हवा से बातें करती ट्रेन ऊंची ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ती हुई शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर शहर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। खिड़की से बाहर उस गुजरते हुए मेट्रोपॉलिटन को देखता हुआ कैलाश मन ही मन अपने आप से कहता है, नीरा अगर साथ होती तो शहर को देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, वो तो बस खुशी से पागल ही हो जाती, शायद इतनी जल्दी वापस जाना मुश्किल हो जाता। कैलाश अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और नीरा को कॉल करता है। थोड़ी देर में रिंग की आवाज सुनाई देती है पर दूसरे एंड से कोई रिप्लाई नहीं आता। कैलाश को लगता है कि नीरा किसी काम में बिजी होगी। वो नीरा को मैसेज करता है, आई एम ऑन माई वे, कल मिलते हैं। शाम का उजाला अब कम होने लगा था और ढलता सूरज पूरे आसमान को केसरी कर चुका था। कैलाश अपने मोबाइल में बिजी हो जाता है और थोड़ी देर में पूरे दिन की थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद कैलाश के मोबाइल से एक धीमी सी मैसेज बीप सुनाई देती है। मोबाइल की स्क्रीन पर नीरा का मैसेज दिखाई दे रहा होता है। ओह ग्रेट, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आती हूँ। आई ट्राइड कॉलिंग यू बट कुडंट कनेक्ट। बाय द वे, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? कैलाश अब तक गहरी नींद में डूब चुका था जिसकी वजह से वो मैसेज की बीप सुन नहीं पाया और थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रीन दोबारा डार्क हो गया। कैलाश की आंखें अगले दिन सुबह ही खुलती है और अब ट्रेन भी किसी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। कैलाश बाहर देखता है और पाता है कि सुबह का सूरज निकलने ही वाला था और ट्रेन एक बड़े से ब्रिज से गुजर रही थी। दूर कैलाश को विशाल पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई पड़ रही थी जो कि बर्फ से पूरी तरह ढकी थी। बाहर का मनमोहक नजारा देखकर कैलाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत बर्थ से उठता हुआ अपना मोबाइल चेक करता है। नीरा का मैसेज उसे नोटिफिकेशन में दिखता है जिसे पढ़ने के बाद कैलाश अपनी जेब से चाबी निकालकर लॉक खोलता है और अपना बैग निकालकर बर्थ पे रख देता है। खिड़की के पास जाकर
कैलाश चलती ट्रेन से नीचे देखता है। ट्रेन अभी भी ब्रिज से ही गुजर रही थी। ब्रिज की ऊंचाई इतनी थी कि कोई कमजोर दिल वाला अगर देख ले तो उसे हार्ट अटैक नहीं तो पैनिक अटैक तो आना तय था। पर कैलाश को ना ही ऊंचाई से डर लगता था और ना ही गहराई से। अनायास की उन अनंत खाई को देखकर वो कह उठता है, फैबुलस, घर आ रहा है। ऐसा कहकर कैलाश एक गहरी सांस लेता है, मानो बाहर की हवा अपने अंदर लेना चाहता हो। पर वो अभी भी उस ट्रेन के केबिन में ही था और अब ट्रेन की स्पीड भी धीमी होने लगी थी। कैलाश तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर रुकती हुई ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ा था। ट्रेन रुकती है और कैलाश नीचे उतर जाता है। कैलाश अपने चारों ओर देखता है, लेकिन वहां उसे वो चेहरा नहीं दिखता जिसे उसकी आंखें ढूंढ रही थी। कैलाश को लग रहा था कि नीरा उसे लेने स्टेशन आएगी, पर कैलाश को वो वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी। यह जगह किसी खूबसूरत से मिनी हिल स्टेशन जैसी लग रही थी, जहां लोग काफी कम थे और साल भर रहने वाली ठंड की वजह से उन सबका पहनावा भी कुछ अलग सा था। कैलाश ने भी एक ओवरकोट पहन रखा था। नीरा को वहां ना पाकर डिसअपॉइंटेड सा कैलाश अपने मोबाइल से नीरा को कॉल लगाता है। रिंग जा रही है पर नीरा फोन नहीं उठा रही। कैलाश कुछ देर और होल्ड करता है पर कोई जवाब ना मिलने पर वो कॉल खुद ही काट देता है। नीरा से ना मिल पाने की मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे शायद घर अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि उसे एक बेहद खूबसूरत सी 20-22 साल की लड़की दूर प्लेटफॉर्म की एंट्री पे दिखाई पड़ती है। वो लड़की कोई और नहीं, नीरा ही थी। नीरा को देखकर कैलाश के चेहरे की सारी मायूसी दूर हो जाती है और उसकी जगह प्यार भरी स्माइल ले लेती है। कैलाश देखता है कि नीरा हाफती हुई उसे ही ढूंढ रही थी। उसका दूध सा सफेद चेहरा नर्वस दिख रहा था। नीरा जानती थी कि वो लेट हो चुकी है और उसे डर था कि कहीं कैलाश वहां से चला ना गया हो। दूर खड़ा कैलाश अपना हाथ ऊपर कर नीरा को आवाज लगाता है, नीरा। कैलाश की पुकार नीरा सुन लेती है और तुरंत उसकी दिशा में देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। नीरा खुशी से कैलाश की तरफ बढ़ती है, कैलाश भी नीरा की तरफ चल पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आके रुकते हैं। नीरा की स्माइल अब खुशनुमा सी हंसी में बदल गई थी। कैलाश नीरा को गले लगाना चाहता था पर वो अपने आप को ना जाने क्यों ऐसा करने से रोक लेता है। हड़बड़ाती हुई नीरा कैलाश से कहती है, सॉरी आई गॉट लेट, थोड़ा काम आ गया था, तुमसे बात भी नहीं कर पाई। कल मैं क्लास में थी जब तुम्हारा फोन आया था। हाउ वॉज योर इंटरव्यू? कैलाश मुस्कुरा कर कहता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लगता है मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। ओह दैट्स ग्रेट, देखा मैंने ही कहती थी तुम अपने आप को खामखा ही अंडर एस्टिमेट करते हो। कैलाश की बात सुनकर नीरा खुश होकर आगे कहती है, चलो मैं तुम्हें अब घर ले चलती हूँ, तुम्हारे डैड भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अपने पिता का जिक्र सुन के कैलाश के चेहरे पर हल्का सा कंसर्न दिखाई पड़ता है पर वो कुछ नहीं कहता और दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही नीरा और कैलाश नीरा के स्कूटर के पास पहुंचते हैं। फिर वो दोनों स्कूटर पर बैठकर वहां से ड्राइव करते हुए लोगों के बीच से निकल जाते हैं। राहगीरों की भीड़ के अलावा वहां एक बड़ी सी एसयूवी भी पार्क्ड होती है जिसका काला शीशा धीरे से नीचे होता है और उसमें बैठा एक आदमी जलन और गुस्से से नीरा और कैलाश को जाता हुआ देखता है। उसके माथे की शिकन से साफ झलक रहा था कि उसे कैलाश और नीरा का साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतने में उस आदमी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसे एक ऑडियो फाइल भेजी गई थी। वो आदमी उस ऑडियो फाइल को प्ले करता है। हेलो हेलो कैलाश, कैलाश प्लीज प्लीज मुझे बचा लो कैलाश। ये बात ठीक नीरा की आवाज में बोली जा रही थी। ऑडियो फाइल सुन रहे उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और उस एसयूवी का शीशा वापस ऊपर हो जाता है। उधर नीरा का स्कूटर एक सुनसान रोड पे चलती हुई किसी बहुत बड़े दरवाजे के सामने आके रुकती है। उस गेट से जुड़ी दीवारें भी बेहद ऊंची और मजबूत दिख रही थी।
किसी भी दिशा में उनका ओर छोर नजर नहीं आ रहा था। उस रोड के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, पर किसी भी हिल स्टेशन की तरह यह जगह बेहद चार्मिंग और सुंदर दिखाई पड़ रही थी। बादल जहां हाथों की पहुंच में हो और दूर दूर तक बर्फ से ढके विशाल पहाड़ उन्हें कैद करके कहीं जाने ना दे रहे हों। देवदार और पाइन के घने जंगल मिलकर ऐसा नजारा पेश कर रहे थे जो किसी भी टूरिस्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। स्कूटर पर बैठा कैलाश सामने दिख रहे बड़े से दरवाजे की ओर देखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अंदर जाना नहीं चाहता था। तभी नीरा कहती है, कैलाश घर आ गया है। नीरा की बात सुनकर कैलाश स्कूटर से उतर जाता है। फिर नीरा आगे कहती है, मुझे कुछ और भी काम है तो हम शाम को मिलते हैं। मुझे बस जानना है वहाँ क्या हुआ, तुम इतने बड़े शहर में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, सब कुछ। कैलाश स्माइल करता हुआ हाँ कहता है और फिर नीरा वहां से चली जाती है। कैलाश अब उस विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उस दरवाजे के पास आते ही कैलाश देखता है कि दरवाजा खुलने लगा है और थोड़ी ही देर में कैलाश आगे बढ़ता हुआ उस दरवाजे को पार कर उस अंतहीन से दिख रहे कंपाउंड के अंदर आता है। जैसी खामोशी दरवाजे के बाहर थी, ठीक उसके विपरीत अंदर का नजारा काफी चहल पहल से भरा था। इससे पहले कि कैलाश आगे बढ़ता, उसका मोबाइल रिंग होता है। जब कैलाश कॉल रिसीव करता है तो उसे नीरा की वही रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। हेलो हेलो कैलाश, कैलाश प्लीज प्लीज मुझे बचा लो कैलाश। आवाज सुनते ही कैलाश का जैसे खून सूख जाता है। वो वापस फोन पर चिल्लाता हुआ कहता है, नीरा नीरा क्या हुआ, कहाँ हो तुम, हेलो हेलो। पर अब तक फोन कट चुका था और शौक से कैलाश की आंखें बड़ी हो चुकी थी। कैलाश के पीछे का वो दरवाजा अब बंद होने लगा था। कैलाश मुड़ता है और भागता हुआ उस दरवाजे के बंद होने से पहले बाहर निकल जाता है। घबराया हुआ कैलाश वहां खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि शायद नीरा इतने कम समय में बहुत दूर नहीं जा पाई होगी। बदहवास सा कैलाश नीरा को पुकारता हुआ रोड पर भागने लगता है। तेजी से भागता हुआ कैलाश अब बहुत दूर तक आ चुका था पर उसे नीरा का कोई नामो निशान नहीं दिखा था। घबराया हुआ कैलाश अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकालता है और जैसे तैसे नीरा को कॉल करता है। पर इससे पहले कि कैलाश फोन को अपने कानों तक ले जा पाता, कोई उसके सर पर जोर से वार करता है। कैलाश वहीं जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी और जानलेवा दर्द की हालत में वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। दर्द से कराहता हुआ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आंख खोलकर देखने की कोशिश करता है कि उस पर किसने अटैक किया था, पर वो बस एक धुंधली सी परछाई ही देख पाता है। धीरे धीरे कैलाश की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जमीन पर बेहोश पड़े कैलाश के पास वही आदमी खड़ा था जिसने नीरा और कैलाश को स्टेशन के बाहर आते देखा था। कौन था वो, क्यों किया था उसने कैलाश पर वार, जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।